हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के नवे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 23 पर विचार करेंगे। ये प्यन्न देवता भक्त यजन्ते श्रद्धयान्विता ते मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये अपि अन्य देवता भक्ता है, और दूसरे जो अन्य देवताओं के भक्त हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था अनन्यास चिंतयन्तु माम, कि अन्य का जो है चिंतन ना करते हुए केवल श्री कृष्ण का चिंतन करें, तो वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। लेकिन अब अन्य देवता के भक्त हैं तो दूसरी बात है। भगवान ने जो है श्लोक संख्या 22 में अपने अनन्य भक्तों के बारे में चर्चा की है, और इस श्लोक में अब भगवान अन्य देवताओं के भक्तों की बात कर रहे हैं। तो अन्य देवताओं के जो भक्त हैं यजन्ति श्रद्धयान्विता, तो अन्य देवताओं के जो भक्त हैं वो पूजा करते हैं श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की। ते भी मामेव कौन्ते यजन्ति, वे भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं, परंतु कैसे कर रहे हैं, अविधि पूर्वकम। हाँ, विधि नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करने की ये विधि नहीं है कि अन्य देवताओं की पूजा की जाए, है ना। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, क्यों यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ जब कोई व्यक्ति वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वो नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। व्यक्ति को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधिपूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस की कैसे व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं उनके योग तथा क्षेम की व्यवस्था स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। उस समय अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वे श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं के भक्त होते हैं, तो उनकी भक्ति में क्या दोष है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संदेह को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की भक्ति भी श्री कृष्ण की ही भक्ति है, परंतु ये भक्ति की विधि नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं ये अपि अन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धया अन्विताः, अर्थात जो अन्य देवताओं के भक्त उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। गीता 7:21-23 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जो व्यक्ति जिस जिस देवता का भक्त होकर उस देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है, उस व्यक्ति की अचल श्रद्धा श्री कृष्ण उसी देवता के प्रति स्थिर करते हैं। वो व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है तथा उस देवता से वह उन लाभों को प्राप्त भी करता है जो श्री कृष्ण के ही द्वारा निश्चित हुए हैं, परंतु उनका वह फल नाशवान होता है तथा देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, जबकि श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण के लोक में जाते हैं। तो भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में हिरण्यकशिपु ने श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानकर तथा ब्रह्मा जी को सर्वोच्च मानकर इस प्रकार स्तुति की, हे देव, आप अपनी शक्ति के द्वारा इस जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं,
आप ही तीन गुणों के स्वामी हैं, आप संपूर्ण सृष्टि के आदि बीज हैं, आप चर तथा अचर इन दोनों प्रकार के जीवों के स्वामी तथा नियंता हैं, आप समस्त जीवों की अंतरात्मा हैं, आप आदि रहित तथा अंत रहित हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, आप ही नित्य काल के रूप में समस्त जीवों की आयु को घटाते हैं, फिर भी आप अपरिवर्तनशील हैं, आप अजन्मा हैं, आप सबके साक्षी हैं, आप सबके नियंता हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप समस्त जीवों के जीवन के कारण हैं, आपसे पृथक कुछ भी नहीं है, आप परम नियंता के रूप में स्थित हैं, आप इस भौतिक जगत से परे हैं, आप अव्यक्त ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं तथा आप सबसे पुरातन ईश्वर हैं, आप परम पुरुष हैं, आपने अपने इस जगत में अपने अनंत रूप का विस्तार किया है। इति ये भावना तो हिरण्यकश्यप की ब्रह्मा जी के प्रति थी, परंतु वो श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानकर उन्हें नष्ट करना चाहता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो श्री कृष्ण के गुण हैं, उन गुणों को वह श्री कृष्ण में ना मानकर उन गुणों को वह ब्रह्मा जी के अंदर मानता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अन्य देवताओं के भक्त होकर उन्हीं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तथा ये श्रद्धा वास्तव में श्रद्धा नहीं है बल्कि अज्ञान है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 18:115 में श्री चैतन्य कहते हैं कि जो मूर्ख ये कहता है कि कोई भी जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान है, वो पाखंडी है तथा वो यमराज के द्वारा दंडनीय है। उक्त प्यार के तात्पर्य में शिला प्रभुपाल लिखते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि पाखंडी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो माया के अधीन जीव को सारे भौतिक गुणों से अतीत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता है। भक्ति संदर्भ में भी कहा गया है कि पाखंडी वो है जो देवताओं तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को एक सा मानता है, अतः पाखंडी किसी भी देवता को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पूजता है। इति पद्म पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समान मानता है वो निश्चित रूप से पाखंडी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अन्य देवताओं के भक्त होकर उन्हीं के प्रति श्रद्धा रखते हैं। अभी हमने चर्चा की कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के ही सामने उनका इस प्रकार गुणगान किया मानो वे ही परम पुरुष हैं, उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है, परंतु उसने ब्रह्मा जी से इस बात की जिज्ञासा नहीं की कि हे देव, क्या आपसे भी बढ़कर कोई अन्य है। परंतु भागवत के दूसरे स्कंध के अंतर्गत 5 में नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे प्रमुख देवता, हे सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, कृपया मेरी शंका दूर कीजिए, आप संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं, परंतु आपको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं, क्या आप अपनी ही शक्ति के द्वारा तत्वों को उत्पन्न करते हैं अथवा आपसे अन्य कोई परम पुरुष है, क्या आप किसी अन्य से सहायता लिए बिना ही सृजन करते हैं, मैं आपके समान या आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानता हूँ, परंतु फिर भी आपने अत्यंत सावधानीपूर्वक किसी अन्य पुरुष को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की है, इस बात से मुझे अत्यंत शंका तथा खेद हो रहा है कि आपसे भी बढ़कर कोई अन्य पुरुष परम पुरुष है। इति उस समय ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि जब तक कोई व्यक्ति उन श्री कृष्ण को नहीं जान लेता जो ब्रह्मा जी से परे हैं तथा जो परम सत्य हैं, तब तक वो किसी भी देवता के विषय में मोहित होता रहेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं के भक्त होकर उनकी पूजा करते हैं। इस संबंध में हमें समझना चाहिए कि नंद आदि ब्रजवासी जिस समय इंद्र की पूजा किया करते थे उस समय उनकी ऐसी श्रद्धा इंद्र के प्रति नहीं थी। वे लोग इंद्र की पूजा को अपना कर्तव्य समझकर करते थे, वे ना तो इंद्र के भक्त थे तथा ना ही उनके अंदर इंद्र के प्रति ऐसी भावना थी कि इंद्र ही सर्वोच्च हैं। गीता 17:11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी देवता की पूजा फल की कामना के बिना की जाती है तथा पूजा करना चाहिए केवल इसी भावना से पूजा की जाती है तो यह पूजा सात्विक है। इस प्रकार व्यक्ति किसी देवता की पूजा करके भी उस देवता का भक्त नहीं बनता है तथा ना ही वह उस देवता को परम पुरुष मानता है। तो
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं के भक्त होकर उनकी पूजा करते हैं। इस संबंध में हमें समझना चाहिए कि ब्रज की कन्याओं ने जिस समय कात्यायनी देवी की पूजा की थी उस समय उनकी ऐसी श्रद्धा नहीं थी कि उन्हें कात्यायनी देवी से कोई संबंध बनाना है। वे तो केवल कात्यायनी देवी से यही चाहती थीं कि वे श्री कृष्ण को उनका पति बना दें। उनकी कात्यायनी देवी के प्रति इतनी ही श्रद्धा थी कि वे यदि चाहें तो श्री कृष्ण को उनका पति बना सकती हैं। इसके अतिरिक्त उनका कात्यायनी देवी के साथ कोई संबंध नहीं था। वे तो जन्म जन्म में श्री कृष्ण की ही सेवा करना चाहती थीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रज की कन्याएं ना तो कात्यायनी देवी की भक्त थीं तथा ना ही उनकी कात्यायनी देवी के प्रति ऐसी श्रद्धा थी कि वे ही सर्वोच्च परम नियंता हैं। अब दूसरी शिक्षा, श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं ते अपि माम एव कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम्, अर्थात वे भी मेरी ही पूजा करते हैं परंतु उनकी यह पूजा अविधि पूर्वक है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्ते नाम से संबोधित करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कुंती देवी के पुत्र होने के कारण कौन्तेय कहलाते हो। कुंती देवी ने विभिन्न देवताओं को मंत्र की शक्ति से बुलाकर पुत्रों को उत्पन्न किया परंतु वे उन देवताओं की ना तो भक्त थीं तथा ना ही उनकी ऐसी श्रद्धा थी कि वे ही परम नियंता हैं। इस प्रकार उन्होंने देवताओं को प्रसन्न भी किया तथा श्री कृष्ण की भक्ति भी की। कुंती देवी की देवताओं के प्रति कोई भी शारीरिक आसक्ति नहीं थी। उन्होंने जिस समय सूर्य देव का आवाहन किया था उस समय केवल मंत्र की परीक्षा करने के लिए ही ऐसा किया था। फिर जिस समय कुंती देवी के प्रति महाराज पांडु को श्राप मिल गया कि वे अपनी पत्नियों से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते हैं उस समय कुंती देवी ने अपने पति की इच्छा से तथा अपने पति की आज्ञा से ही देवताओं को पुत्र उत्पन्न करने के लिए बुलाया था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कुंती देवी ने देवताओं के साथ कुछ व्यवहार अवश्य किया परंतु उन्होंने देवताओं के साथ कोई संबंध ना जोड़कर केवल मेरे ही साथ संबंध जोड़ा, उसी प्रकार तुम्हें भी केवल मेरे ही साथ संबंध जोड़ना चाहिए। श्री ये समझने की बात है कि यदि हम देवताओं को श्री कृष्ण का सेवक मानकर उनकी पूजा बिना किसी भौतिक कामना से करते हैं तो यह श्री कृष्ण की पूजा करने की विधि है। परंतु यदि हम किसी भौतिक कामना से देवताओं की पूजा उन्हें श्री कृष्ण से स्वतंत्र मानकर करते हैं तो यह भी श्री कृष्ण की पूजा है परंतु अविधि पूर्वक है। परंतु सबसे अच्छा यही है कि हम श्री कृष्ण की ही पूजा करें। यदि श्री कृष्ण की पूजा में कोई भौतिक कामना भी है तो भी हम भौतिक बंधन से सुरक्षित रहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण हमारी ऐसी भौतिक कामनाएं पूरी नहीं करते हैं जिनसे हमें भौतिक बंधन प्राप्त हो। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इतरे देवता ये वा पूजे श्रद्धा करी सेव आमा के पूजे विधि धर्म छाड़ी। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं सेव आमा के पूजे विधि धर्म छाड़ी, अर्थात हे अर्जुन, अन्य देवताओं की पूजा से मेरी पूजा होती है परंतु पूजा की यह विधि नहीं है। जो मेरे भक्त हैं वे मेरी ही पूजा करते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये प्यन्न देवता भक्ता विजन्ते श्रद्धयान्विता, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं और पूजा करते हैं श्रद्धयान्विता, श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बात यही है कि श्रद्धा पूर्वक देवताओं की पूजा करते हैं और कैसी श्रद्धा कि वो देवता सर्वोच्च है। तो यही मतलब यहीं पर ही अंतर पड़ जाता है कि अन्य देवताओं के भक्त हैं। तो हमने चर्चा की है इस श्लोक की व्याख्या में कि अगर कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करता भी है, श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी देवता की पूजा करता भी है तो भौतिक कामना के बिना अगर करता है और करना चाहिए इसलिए पूजा करता है वो देवता का भक्त नहीं होता। तो नंद आदि जो गोप थे तो इंद्र की पूजा करते थे लेकिन इंद्र के भक्त नहीं थे।
उन्होंने इंद्र से जो है मतलब कोई ऐसा संबंध नहीं जोड़ा कि अपना कुछ लेना देना हो, तो इंद्र से कुछ भी लेने देने का संबंध नहीं जोड़ा। इंद्र की पूजा करते थे और कैसे यष्टभ्यम एवति मनः समाधाय, ऐसे सात्विक कहा कि मन में केवल यही समाधान करके कि पूजा करना चाहिए, इसकी पूजा वो करते थे, है ना। तो बाकी जो है कोई उस तरह की श्रद्धा नहीं थी कि वो सर्वोच्च हैं, ऐसा नहीं था। जैसे जो ब्रज की कन्याएं हैं कात्यायनी की पूजा करती थी, है ना, तो वो भी जब पूजा करती थी तो उनकी भी पूजा में कोई भौतिक कामना नहीं थी, केवल इतनी ही चाहती थी कि देवी जो है श्री कृष्ण को उनका पति बना दें। तो उनका जो मन है वो तो श्री कृष्ण में लगा था, वो श्री कृष्ण की सेवा में ही उनका मन लगा हुआ था। कात्यायनी देवी की पूजा का जो है केवल एक उपाय था, वो उपाय कर रही थी कि कात्यायनी देवी की पूजा के द्वारा उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन दोष जो है उस समय होता है जब कोई व्यक्ति देवता का भक्त बन जाए, है ना। देवता के भक्त हो जाते हैं तो वे लोग जो उसी देवता का ही गुणगान करते हैं, उसी देवता का कीर्तन करते हैं, हैं, तो वो चीज़ जो है मतलब नहीं। श्री कृष्ण के जो भक्त हैं तो श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब जो है क्या है, श्री कृष्ण का हमेशा। इसी प्रकार से जो है जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, है ना, तो जो भगवान ने गीता के सातवें अध्याय के श्लोक संख्या 11 में सात्विक यज्ञ का वर्णन किया है, अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विदिष्टो यजते, कि बिना फल की आकांक्षा से अगर कोई यज्ञ करता है तो शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ करता है, तो उस यज्ञ में क्या होता है, अलग अलग देवताओं के नाम से आहुतियाँ डाली जाती हैं, तो अलग अलग देवताओं के नाम से आहुतियाँ डाली जाती हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी श्रद्धा नहीं होती है कि कोई भी देवता जो है सर्वोच्च होगा। कई देवताओं का जो है उसमें आहुति डाली जाती है उनके नाम से, लेकिन किसी भी देवता को सर्वोच्च नहीं माना जाता। सर्वोच्च तो श्री कृष्ण को ही मान करके अलग अलग देवताओं के नाम से आहुति डाली जाती हैं। तो ये जो है पूजा तो है लेकिन भक्ति नहीं है। तो यहाँ पर भगवान जो है जो बात कर रहे हैं, भक्ता श्रद्धान्विता, तो वो श्रद्धा इस तरह की नहीं है। हिरण्यकशिपु ने जैसे ब्रह्मा जी की स्तुति की, आप सर्वोच्च हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप अनादि हैं, आपका कोई अंत नहीं है, तो ये सब श्री कृष्ण के गुण हैं, वो ब्रह्मा जी में उसने आरोपित किए, है ना। तो वो जो ब्रह्मा जी के प्रति जो उसकी श्रद्धा थी, तो वो जो श्रद्धा है ये वास्तव में क्या है, दंभ और अहंकार कहलाता है। अगर शास्त्र के अनुसार श्रद्धा नहीं है तो शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा जी सर्वोच्च नहीं है। ब्रह्मा जी ने तो भगवान को प्रसन्न किया और भगवान के द्वारा उन्हें सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ, सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त हुई, और कोई ब्रह्मा जी को स्वतंत्र मान करके उनको भगवान समझे और कहे ये तो मेरी श्रद्धा है, है ना। तो इस प्रकार की जो श्रद्धा है तो ये क्या है, ये अज्ञान है, ये श्रद्धा नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यजन्ते श्रद्धान्विता, तो वो श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा जो लोग करते हैं, तो वास्तव में वो श्रद्धा है नहीं, लेकिन वो अपनी श्रद्धा मानते हैं कि ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी श्रद्धा है, तो शास्त्र के अनुसार नहीं है। शास्त्र भीतम घोरम तप्यंत ये तपोजना, तो गीता के 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 में भगवान कहते हैं अशास्त्र विहितम घोरम तप्यंत ये तपोजना, जो अशास्त्र विहित यानी शास्त्र के अनुसार नहीं है तो वो घोर तपस्या करते हैं, तो वो पूजा भी नहीं उनकी, वो तो घोर तपस्या करते हैं, वो कैसे पूजा होगी, अगर शास्त्र के अनुसार नहीं है तो कैसे पूजा हो सकती है, किसकी पूजा हो सकती है, है ना। दम्भाहंकार संयोगता, दम्भ और अहंकार से भरे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं देव मामेव कौन से यजंत विधि पूर्वकम,
वो भी मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेरी पूजा वो अविधि पूर्वक कर रहे हैं। तो अविधि पूर्वक कर रहे हैं मतलब उनको श्री कृष्ण की पूजा का फल नहीं प्राप्त होगा। क्या फल प्राप्त होगा? यांति देवव्रता देवान, देवताओं के जो व्रत करने वाले हैं यानी देवताओं के भक्त हैं, तो वे देवताओं के लोक में जाएंगे, हैं तो वे जो है श्री कृष्ण के लोक में नहीं जाएंगे। यांति मदिया जिनोत्मा, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे धाम में आते हैं। तो ये जो है भगवान बतला रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने की विधि नहीं है। हरे कृष्णा।